के साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा अनुसार एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकवाबाद पर किया गया रात्रि प्रवास के दौरान थाने की कार्यवाहियों का किया गया निरीक्षण। बता दें एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा आम जन मानस से सीधा संपर्क कर सुनी गई समस्याएं। आगे भी जनपद के अन्य थानों पर जारी रहेगी रात्रि प्रवास की योजना। शासन एवं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा थाना शिकवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि प्रवास किया गया। महोदय द्वारा रात्रि प्रवास के दौरान थाने के समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण संघ मीटिंग आयोजित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए विवेचकों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना निस्तारण करने और बीट आरक्षियों को अपनी अपनी बीट में अच्छी पकड़ बनाने और बीट बुक अध्याविधिक कर बीट को एक्टिव करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें रात्रि प्रवास के दौरान एसएसपी द्वारा थाना शिकवाबाद का निरीक्षण कर थाने की आईजीआरएस की स्थिति, कंप्यूटर रूम, बैरक, भोजनालय, बंदी हवालात आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए थाना परिसर में साफ सफाई एवं अभिलेखों का उचित रखरखाव, थाने पर जब्त माल का समयबद्ध निस्तारण, भूमाफिया टॉप 10 गैंगस्टर गुंडे हिस्ट्री शीटर अपराध रजिस्टर नंबर 4 रजिस्टर नंबर 8 एवं महिला अपराध से संबंधित अपराधियों की समीक्षा करते हुए कड़ी कार्यवाही करने तथा पाई गई कमियों को एक महीने के अंदर दुरुस्त करने हेतु प्रभारी निरीक्षक शिकवाबाद को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा थाने पर आए हुए समस्त फरियादियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर और महिला हेल्प डेस्क सीएम हेल्पलाइन जन शिकायत से प्रार्थना पत्रों का निरीक्षण करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने तथा जन सुनवाई को प्रभावी बनाने और छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण क्या है? देखिए, ये जो शासन की मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने थानों में जो उच्च अधिकारी हैं वो रात्रि प्रवास करें। इसमें एसपीज़ को भी कहा गया था कि अपने अपने थानों में रात्रि प्रवास जा जाकर करें। तो आज इसमें रात्रि प्रवास मेरे द्वारा शिकवाबाद थाने में किया गया और रात्रि प्रवास के दौरान में थाने की कई वर्किंग्स को देखा गया, जो रात में रश वगैरह होती है उसको देखा गया और इसके अलावा थाने में जो फरियादी हैं उनसे भी मिला गया। थाने में जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनको ब्रीफ किया गया, बीट सिस्टम को एक्टिवेट किया करने के लिए बताया गया है। जो विवेचक थे उनसे मिला गया, उन लोगों को टारगेट दिया गया है कि विवेचना का कैसे कंप्लीट करें और किस तरीके से वो सारा काम करेंगे। थाने का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया गया जिसमें थाने में कई खामियाँ पाई गई, तो उन खामियों को पूरा करने के लिए एक महीने का मैंने समय दिया है। जितना ये मोटरसाइकिल वगैरह माल निस्तारण है उसके लिए भी मैंने बताया कि थाना पूरा क्लियर हो जाए, एक महीने के अंदर में फिर मेरे द्वारा रात्रि प्रवास किया जाएगा और फिर यदि उसमें किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो उसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो रात्रि प्रवास की योजना है ये अब आगे भी जारी रहेगी और मेरे द्वारा विभिन्न थानों में रात्रि प्रवास किया जाएगा। सर, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये देखा जाता है कि यदि किसी चीज़ को आपको समझना है तो उसमें आपको बड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है और उस वजह से जो है लंबा समय देने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो रात्रि प्रवास किया गया और उसमें जो जनता है उसको पहले से बताया गया है कि इस रात को मैं राजीव निवास इस जगह करूंगा और लोग आकर मिलें और अपनी समस्याएं डायरेक्ट जो है बताएं, तो जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश और जो थाने की वर्किंग है उसको सही करने की गहराई से कोशिश, इसलिए ये इनिशिएटिव है। अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। We don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.